लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां रोजगार को लेकर सीएम योगी ने बड़ी पहल की है। लोक भवन में अफसरों की बैठक लेते हुए विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रोजगार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी पहल, जिसमें लोक भवन में अफसरों की बैठक लेते हुए विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। अब तक 3 लाख भर्तियों की तरह ही शुरू करनी है भर्ती प्रक्रिया, तो कुछ इस तरह का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और 6 महीने के अंदर ही नियुक्ति पत्र भी बांट दिए जाएं। जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम योगी बेहद गंभीर है और यूपी पीएससी एवं अन्य सरकारी भर्तियों की तरह तेजी से आगे भी सभी भर्तियां जो है निकाली जाए। बता दें कि अब तक हुई बड़ी सरकारी भर्तियों में 1,37,000 पुलिस की भर्ती हो चुकी है और 50,000 टीचर की भर्ती हो चुकी है और 1 लाख से अधिक अन्य विभागों में भर्ती हो चुकी है, जबकि कोरोना कालखंड में भी 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका था। साथ ही आपको बता दें, इस मामले में यूपी के सूचना निदेशक शिशिर ने भी ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 21 सितंबर 2020 को ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से बैठक करेंगे और ये भी कहा कि जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं, उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से तेजी से भर्तियां कराई जाए। @cmofficeup@slabmoney। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ वन इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से अब भर्तियों को लेकर ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है कि जितने भी रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा दिया जाए, भर्तियां निकाली जाए, तो ये बात तो साफ है। जिस तरीके से देश में प्रदेश में आवाज उठ रही है और लगातार देखा जा रहा है विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है रोजगार को लेकर, और सबसे बड़ी बात की कल तो बेरोजगारी दिवस मनाया गया, तो अब ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी समक्ष में आ रही है, यहाँ पर समझ में आ रही है कि अगर कोई भी लूप होल छोड़ा तो वो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए शायद आज ये बैठक हुई और ये फैसला लिया गया है। नहीं, टीम 11 की आज बैठक हुई थी, तब बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा सामने आया और उसी मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री अपना उद्बोधन कर रहे थे, उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा कि जो सभी इस तरीके के विभाग या आयोग या बोर्ड जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं, उन सभी के जो पदाधिकारी चेयरमैन है उनको 21 तारीख को उन्होंने लखनऊ बुलाया है। लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के भी मौजूद रहेंगे, विभाग के अधिकारी रहेंगे और इस रूपरेखा पर काम किया जाएगा कि कैसे भर्ती परीक्षाओं को जल्द से जल्द आयोजित करके पारदर्शी तरीके से उन भर्ती परीक्षाओं को अंजाम तक पहुंचाया जाए। कि बहुत बार मैं बीते दिनों में भर्ती परीक्षाएं तो हुई, लेकिन उन परीक्षाओं को अंतिम अंजाम तक पहुंचने में अदालत से लेकर के तमाम रोड़े जो है वो सामने आए, भ्रष्टाचार की भी शिकायतें हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है सरकार सभी पर और भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठे। इसीलिए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि ये भर्ती परीक्षाएं महज जो है 3 महीने के अंदर, अधिकतम 6 महीने के अंदर निपटा ली जाएंगी और जो भी वैकेंसीज हैं यानी 3 लाख के आसपास जो नियुक्तियां हैं वो सरकारी पदों पर और साथ ही साथ गैर सरकारी पदों पर भी बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने का सरकार का कार्यक्रम है। सरकार ने दावा किया कि कोरोना काल जैसे गंभीर परिस्थिति में भी उसने करीब 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, हालांकि उसका विस्तृत आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार ने पुलिस भर्ती के अलावा शिक्षकों की भर्ती का आंकड़ा जोड़ा है और ये बताया है कि बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों की सरकार ने पारदर्शी तरीके से भर्तियां की हैं। ठीक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद अवनीश। तो बता दें आपको कि भर्ती निकालने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी की मंडलीय समीक्षा बैठक लगातार जारी है। आज शाम 6 बजे मेरठ मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। कमिश्नर के साथ मंडल के सभी डीएम और प्रशासनिक अफसर इस बैठक में शामिल होंगे। मेरठ मंडल के सांसद और विधायक भी कॉन्फ्रेंसिंग से इसमें शामिल होने वाले हैं और अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। कोविड नियंत्रण के साथ कई परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब तक कुल 8 मंडलों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं सीएम योगी और अयोध्या, सहारनपुर, चित्रकूट, मुरादाबाद, विंध्याचल धाम, आजमगढ़, आगरा, बस्ती मंडल की
समीक्षा बैठक अब तक हो चुकी है, तो जिस तरीके से लगातार मंडलों की समीक्षा बैठक लगातार जारी है, इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि विकास कार्यों को लेकर और जो भी परियोजनाएं लागू होती हैं जिलों में उसको लेकर कि वो उसका फायदा लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या जो विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, खुद जानकारी ले लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।